बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स ऑन एबिस मैप। जैसा कि हमें पता है, वैलोरेंट ने फाइनली न्यू मैप एबिस को रिलीज कर दिया एंड बहुत सारे बड़े यूट्यूबर्स ने अपनी बेस्ट टिप्स को भी शेयर किया है, वो भी कई सारे ट्रिक्स को यूज करके, एंड वो देखने में भी काफी ज्यादा कूल लगती है। एंड इन ट्रिक्स का आप भी यूज करके अपने अपोनेंट टीम के बंदों के साथ साथ अपने टीम के बंदों को भी शॉक कर दोगे। ये सब आपसे पूछेंगे, भाई ये तुमने कैसे किया। एंड कुछ ट्रिक्स तो ऐसी है कि अपोनेंट टीम के बंदे आपको हैकर भी कह सकते हैं। एंड इन ट्रिक्स का आप यूज करके बंदों की बड़ी आसानी से बहुत सारी किल्स निकाल सकते हो। बट प्रॉब्लम ये है कि जितने भी यूट्यूबर्स ने इन ट्रिक्स का ऑलरेडी यूज किया है, किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं किया कि इन ट्रिक्स को इफेक्टिवली कैसे यूज करना है। एंड मैं जानता हूँ कि आप उन ट्रिक्स को करना चाहते हो, बट आपको ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि इन्हें कैसे करना है। बट डोंट वरी गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ उन्हीं कुछ जबरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, वो भी हमारे न्यू मैप एबिस के अंदर, जिससे आपका गेम प्ले एबिस मैप के अंदर 10x ओपी हो जाएगा एंड आप अपोनेंट टीम को इजीली डोमिनेट कर पाओगे। बट इन ट्रिक्स को जानने के पहले यार वीडियो को जरूर लाइक कर देना, एंड ऐसे और मजेदार कंटेंट देखना पसंद है तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो सबसे पहले ट्रिक करने के लिए आपको फेट को पिक करके एबिस के ए साइड पे आ जाना होगा। एंड देन जो ये ब्रिज टाइप स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जब भी बंदा स्पाइक डिफ्यूज या फिर प्लांट कर रहा हो, आपको फेट की क्यू एबिलिटी मींस की सीज को थ्रो कर देना है अपोनेंट टीम के बंदे के ऊपर, जैसा कि आप खुद स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एंड बस इसके बाद फिर क्या, आपके अपोनेंट टीम का बंदा कुछ इस तरह हैंग करने लगेगा जस्ट लाइक कि जैसे वो स्पाइडरमैन हो। एंड ये देखने में भी काफी ज्यादा फनी लगता है। एंड जैसे इस एबिलिटी का इफेक्ट खत्म होगा, वो बेचारा एबिस के पताल लोक में जाकर गिर जाएगा एंड आपको भी इजीली किल मिल जाएगी। एंड जो प्लेयर हैंग कर रहा है उसके पर्सपेक्टिव से ये कुछ इस तरह लगेगा, जैसा कि आप खुद स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आप लोगों ने साइफर के ओपी ट्रैप वायर तो बहुत सारे देखे होंगे, बट ये ट्रैप वायर ऑन एबिस मैप वन ऑफ द बेस्ट वायर होने वाला है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो आप खुद ही समझ जाओगे। तो ट्रैप लगाने के लिए आपको इस साइड पे आ जाना होगा एंड यहाँ पे जो ये बॉक्स दिख रहा है ऊपर, जहाँ पर अक्सर बंदे इस साइड से उस साइड जाने की कोशिश करते हैं, एंड यहीं पे आपको अपने ट्रैप वायर को कुछ इस तरह लगा देना है जैसा कि आप खुद स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिससे कि अपोनेंट टीम का बंदा इस ट्रैप वायर से अनजान यहाँ से जंप करने की कोशिश करेगा, बट इस ट्रैप में फंस कर वो कुछ इस तरह नीचे गिर जाएगा एंड अगेन पहुंच जाएगा पता लोग में, एंड अगेन आपको इजिली एक किल और फ्री की मिल जाएगी। नेक्स्ट जानने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ एबिस के बी साइड पे, एंड यहाँ पे हम बात करेंगे हमारे सिक्स्थ प्लेयर मिंस की गेको के विंगमैन के बारे में, जो कि स्पाइक डिफ्यूज प्लांट एंड बंदों को स्टन करने का काम करता है। बट आज आप देखोगे कि इतना छोटा होने के बावजूद भी ये खतरों के कबाडी शो में जाने की हिम्मत रखता है, जहां प्लेयर्स भी कदम फूक फूक के रखते हैं, वहां ये विंगमैन भाग भाग कर स्पाइक को प्लांट डिफ्यूज करता है, जैसा कि आप खुद स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो आप सभी लोगों में से बहुत सारे लोग ओमेन मेन जरूर होंगे एंड आपने भी बहुत बार ओमेन की सी एबिलिटी मींस की शाउडेड स्टेप को ट्राई किया होगा, बट एबिस मैप में ये एबिलिटी और ज्यादा इफेक्टिवली यूज कर सकते हो। बट फॉर सेफ्टी आपको अपने एक स्मोक को कुछ इस तरह यहाँ पर कर देना होगा, जहाँ पर मैं कर रहा हूँ, जिससे आप स्मोक के अंदर सेफली टीपी हो पाओ एंड अपने शाउडर स्टेप को ओपन करके कुछ इस जगह पे जंप करना है। एंड जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, आप इजिली टीपी हो जाओगे साइड के अंदर एंड अपोनेंट टीम के बंदों को बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं होगा कि कोई इस तरह भी साइड के अंदर आ सकता है उनके पास तक। बड़ा ध्यान रहे, जब भी आप जंप कर रहे हो सही टाइम पर शिफ्ट प्रेस कर दो, वरना आपके साथ क्या होगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वेल, आप लोगों ने ब्रिज के अल्टीमेट का यूज करके काफी बार साइड्स में एंट्री या फिर अपोनेंट के रश को रोका होगा एंड काफी किल्स भी निकाली होंगी उन्हें मारकर, बिकॉज उस टाइम उन्हें मारना काफी ज्यादा इजी होता है क्योंकि वो स्टन होते हैं। बट मैं अगर ऐसा कहूँ कि आप ब्रिज की अल्टीमेट एबिलिटी को यूज करके बिना गोली चलाए बंदे की किल ले सकते हो एंड स्पाइक को डिफ्यूज करना रोक सकते हो, तो ये ट्रिक करने के लिए आपको अगेन एबिस के इस साइड पे आ जाना होगा एंड अपने स्पाइक को कुछ इस जगह पे प्लांट कर देना होगा एंड देन कहीं सेफ कवर ढूंढ कर वहाँ पे होल्ड करना है। एंड जैसे ही आपको स्पाइक डिफ्यूज होने का साउंड आए, वैसे ही अल्टीमेट को एक्टिवेट करके स्पाइक के ऊपर कर देना है एंड स्पाइक तो डिफ होना रुक जाएगा ही एंड अगेन अपोनेंट टीम का बंदा वापस से पता लोग पहुंच जाएगा जंप करके। एंड आपको भी पता है यार ब्रिज का अल्टीमेट ज्यादा खतरनाक होता है एंड आपको एक और फ्री की किल मिल जाएगी एंड ये देखने में भी काफी ज्यादा फनी लगता है। सेम ये ट्रिक आप रेज के सैचल के साथ भी यूज कर सकते हो। सिंपली आपको अपने स्पाइक को सेम जगह पर प्लेस कर देना है, मींस की प्लांट कर देना है एंड प्लेयर जैसे ही स्पाइक डिफ्यूज करने आएगा, आपको अपने रेज का सैचल उसके मुंह पर थ्रो कर देना है या फिर उसके अगल बगल थ्रो कर देना है, जैसा कि आप खुद स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एंड सैचल को ब्लास्ट कर देना है क्यू प्रेस करके एंड अगेन अपोनेंट टीम का बंदा वापस से एबिस के पताल लोक में जाकर गिर जाएगा एंड वापस से आप उठा लोगे एक और फ्री किल। बात करें हमारे वन ऑफ द बेस्ट ड्यूलिस्ट जेट की, तो भाई इतने खतरनाक मैप में हमें जेट की ट्रिक देखने को ना मिले ऐसा हो नहीं सकता। एंड सच बताऊं तो यार इस मैप में जेट काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है एंड जेट की ट्रिक जानने के लिए आपको वापस से इस साइड पे आ जाना होगा एंड हमेशा की तरह आपको अपने स्पाइक को कुछ इस जगह पे प्लांट कर देना होगा। एंड जरूरी नहीं है कि ये ट्रिक आप तभी यूज करो जब स्पाइक डिफ्यूज हो रहा हो, सिंपली आपको कुछ इस जगह पे आ जाना होगा एकदम एच पे एंड जेट की एल्ट को एक्टिवेट करके डैश को ओपन कर लेना होगा एंड अब ड्राफ्ट करके आपको राइट की तरफ शिफ्ट होना है एंड बंदे को मार के वापस डैश मार के लेफ्ट की तरफ आ जाना है, जैसा कि आप खुद स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एंड ये देखने में काफी ज्यादा कूल लगता है। एंड लास्ट ट्रिक होने वाली अगेन हमारी एक ड्यूलिस्ट थी, जो कि करंटली मेरा मेन एजेंट भी है, मैं बात कर रहा हूँ हमारे फिनिक्स की। सो फिनिक्स की ट्रिक जाने के लिए आपको वापस से एबिस के इस साइड पे आ जाना होगा इस ब्रिज टाइप स्ट्रक्चर पे एंड अपने स्पाइक को कुछ इस जगह पे प्लांट कर देना होगा जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो एंड देन फिर आपको यहाँ से जंप लगा देना होगा। एंड आप सोच रहे हो यार यहाँ से जो भी बंदा कूदता है वो तो मर जाता है, बट टेंशन नहीं लो, मैं बता दूं आपको करना क्या है। आपको सिंपली जंप लगा कर नीचे कूदना है, मस्त हवा खाते खाते नीचे जाना है एंड जैसे आप नीचे एकदम पहुंचने वाले हो वैसे अपने अल्टीमेट को एक्टिवेट कर देना है एंड फाइनली आप देख सकते हो कि फिनिक्स को कुछ भी नहीं हुआ है, वो नीचे जाके भी जिंदा है एंड मस्त यहाँ पर अपनी वेंडर या फैंटम लेके वेट करना है। जैसे बंदा डिफ्यूज करने
करने स्पाइक को आएगा, आप उसे यहाँ से इजिली मार पाओगे एंड उसे पता भी नहीं चलेगा कि यार बंदा मार कहाँ से रहा है, बिकॉज उसके लिए ये एकदम अनएक्सपेक्टेड होगा। सो गाइस यही थे हमारे एबिस मैप के अंदर कई सारी टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आपको ये अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड अगर आपको इसका दूसरा पार्ट भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर लिखना। एंड अगर सच में ये वीडियो देखने में मजा आयो एंड ऐसी और जेन्युइन कंटेंट आपको देखना पसंद है इन फ्यूचर तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपका बीएल भाई ऐसे ही मजेदार कंटेंट लेके आता रहता है वो भी हमारे हिंदी भाषा में। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड लव यू ऑल।